वक्त हम गवंडी के अम्बेडकर मैदान में मौजूद हैं, जहां पर एनआरसी और सीए को लेकर बहुत जबरदस्त पैमाने पर एहतियात जारी है। बड़ी तादाद में यहां पर मुल्क मिल्लत की खवातीन, बुजुर्ग, हमारी माँ बहन बेटियां मौजूद हैं और सामने बड़ी तादाद में बुजुर्ग, नौजवान साथी और बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जो मरकजी हुकूमत की जानिब से जो काले कानून के नाम पर सीए और एनआरसी को थोपा गया है, नाफिज किया गया है, उसके खिलाफ ये आवाम का जम गफीर 1 लाख से ज्यादा आवाम यहाँ मौजूद है। ये इस काले कानून के खिलाफ अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने एहतियात को दर्ज करवा रहे हैं। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त गवंडी अम्बेडकर पार्क जो है ये शाहीन बाग बना हुआ है और यह हमारे साथ एक मशहूर समाजी अदबी और इल्मी शख्सियत एसके एकेडमी की प्रेसिडेंट शबाना खान साहब यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि एनआरसी के बारे में उनकी क्या राय है। मैडम, ये जो यहाँ एहतजाज हो रहा है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग की तरफ से मुजाहरा शुरू हो चुका है इस काले कानून के खिलाफ, तो आप क्या इश्यूज रखना चाहते हैं सरकार के सामने? इश्यूज तो खुद ये जो काला कानून है, खुद ही इस वक्त इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि ये हमारा जो सबसे बुनियादी चीज़ है, हमारे नागरिकता होने पर सवाल कर रहा है। तो ये जो सवाल है, क्योंकि नागरिक के बाद ही हमको सारे हुकूक मिलते हैं, तो सीधे तरीके से हमारे हुकूक को ख़त्म करने का ये तरीका निकाला है उन्होंने एनआरसी के जरिए। इनका जो गणित था वो आसाम में फेल हो गया, जहाँ 19 लाख जो है वो एनआरसी की लिस्ट से बाहर आने वाले लोग में से 14 लाख जो है वो हिंदू होते हैं, 5 लाख मुसलमान होते हैं। अब वो उनकी ही गणित को जो उल्टा हुआ है उसको सही करने के लिए हम लोगों ने सीए का कानून लाया और उसमें ऐसा किया, ऐसा उन्होंने योजनाएं रखी, इस तरह का लॉलीपॉप वो दे रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों को कि आपको हम सीए के जरिए वापस लेके आएंगे, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में पहले उनको शरणार्थी घोषित करेंगे, उनको घुसपैठ बताएंगे, उनको डिटेंशन कैंप में रखेंगे, उनके प्रॉपर्टीज को ले लिया जाएगा, उनके मकानों को ले लिया जाएगा और उनको डिटेंशन कैंप में तब तक रखेंगे जब तक उनकी नागरिकता साबित नहीं होती, और अगर नहीं साबित हुई होगी तो उनको वहीं पे मरना पड़ेगा। तो इस कानून के खिलाफ हमारी जो है ये आवाज़ है, ये एहतजाज है। ये जो एहतजाज यहाँ इस बड़े मैदान में चल रहा है, लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, तो क्या आज ये मतलब यही खत्म होगा कि आगे भी किसी दूसरी शक्ल में जारी रहेगा? हर एहतजाज ऐसे धरनों से शुरू होता है, ख़त्म नहीं होता है। तो हर तरीके से, हर नुक्कड़ पे, हर शहर में, हर रोड पे आप देख लो कि एहतजाज होते ही जा रही है, रुकने वाली चीज़ नहीं है। मैंने कहा है अपने, जब मैं लोगों को भी एड्रेस कर रही थी कि अब ये सैलाब है, ये रुकने वाली चीज़ नहीं है, अगर इसको कोई चीज़ रोक सकती है तो वो सरकार रोक सकती है, और वो तब रुकेगी जब सीए कानून वापस ले लिया जाएगा, जब एनआरसी को वापस ले लिया जाएगा, जब सीए को वापस ले लिया जाएगा। हिंदुस्तान की जो गंगा जमी तहजीब है, जिसे हम कहते हैं मुश्तरका तहजीब, जो हिंदू मुसलमानों और दीगर कौमों और तहजीबों को जोड़ता है, उस पर हमला किया गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो बीजेपी की नीतियों में से एक है, वो जिस दल से आते हैं वो वहीं की बात है कि वो शुरू से ही जो है हिंदू मुस्लिम को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छी राजनीति आती नहीं है। ये इनकी नाकामियां हैं जो वो इस तरीके के भड़काऊ भाषण देकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर, जिस तरह से आपने देखा कि एक नादान बच्चा गोपाल निकल कर आता है, बंदूक चलाता है और कहता है कि ले लो आप आज़ादी, आपको अपने ही देश में आज़ादी चाहिए तो ले लो आज़ादी, कितनी नफरत भरी जा रही है ये इन नेताओं की तरफ से, सिर्फ इलेक्शन का कुछ एक आंकड़ा जीतने के लिए वो इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जो कि उनका फ्लॉप होगा। आप देख लो प्रदर्शन में हिंदू भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, पारसी भी आ रहे हैं, अब शाहीन बाग देख लो, वहाँ पे सिख जो है वो हमारी औरतों की रक्षा के लिए वहाँ पे खड़े, जिस तरह के हालात चल रहे हैं इस वक्त उनको परेशान करने के लिए, तो ये जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये कौमी एकता, उतना उठ कर बाहर आ रही है। हम देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त दो नज़रिया दोबारा शुरू हुआ, 47 में जो नज़रिया शुरू हुआ था गोडसे और गांधी का, जो गांधी जी की शहादत पे जहाँ से शुरुआत होती है, उन्होंने समझा खत्म हो गया, लेकिन शुरुआत वहाँ से हो गई। हम देख रहे हैं कि जिनके हाथों में तिरंगा है, जो अपने हक की बात कर रहे हैं उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है, लेकिन जो लोग फायरिंग कर रहे हैं, जो डराने धमकाने की सियासत कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उन्हें देशभक्त कहा जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा है ना कि ये बौखला गए हैं, ये बौखला गए हैं कि लोग जिस तरह से एक होकर आप सब लोगों के सामने आ रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उनके पास अब कोई तरीका नहीं है कि इससे बचे कैसे। उनके पास अब सिर्फ एक ही चीज़ बच गई है कि कैसे भी नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म को इतना हाई कर दे कि बाकी सारी चीज़ें दब जाए। तो ये दबने वाली चीज़ नहीं है, आप किसी को देशद्रोही बोल दो, ऐसा कोई सर्टिफिकेट पैदा करने वाली आप कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो आप जो बोलते हो वो सिर्फ बोल रहे हो, लोग जो मानते
खड़े हैं वो मानकर जानकर समझकर हर एहतजाज में जुड़ रहे हैं और किसी को साबित करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है, क्योंकि जो संविधान के साथ है वो देशभक्त है, जो संविधान के खिलाफ है वो देशद्रोही है। नाज़रीन, ये है शबाना खान जिनका साफ साफ ये बोलना है कि हिंदुस्तान मुल्क का जो बुनियादी में जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था जो यहाँ की जो बुनियाद है वो हिलती चली जा रही है, यहाँ के नौजवानों के पास तालीम नहीं है, तिब्बी सहूलियात नहीं है, जिसमें सरकार पूरी तरह से नाकाम और फेल नज़र आ रही है, उसे छुपाने के लिए इस तरह के इशूज सामने लाए जाते हैं ताकि आवाम का जहन उस बुनियादी इशूज से हटकर इन इशूज की तरफ चला जाए। और एक अहम मुद्दा जो इन्होंने यहाँ बताया कि कुछ भी हो जाए जब तक हुकूमत इस काले कानून को पीछे नहीं लेगी, इस काले कानून को खत्म नहीं करेगी, ये एहतजाज किसी ना किसी शक्ल में यहाँ जारी रहेगा, आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी, आज़ादी जुल्म के खिलाफ, आज़ादी नाइंसाफी के खिलाफ, आज़ादी जो बेग जो कानून लाया गया काला कानून उसके खिलाफ, कि ये जो यहाँ जद्दोजहद जारी है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस बारे में यही कहेंगे कि हम लोग यहाँ सब कष्ट करके यहाँ आए हैं, पूरे पूरे दिन हम लोग का जाया चले गए, कोई खाना नहीं खाए, किसी के बच्चे स्कूल नहीं गए, किसी का आदमी काम पे नहीं गए, तो ये एनआरसी के लिए मतलब ये सब हो रहा है। तो हम लोग को किसी को एनआरसी नहीं चाहिए, अगर एनआरसी मोदी को करने का है तो ऐसी प्रधानमंत्री हम लोग को नहीं चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए जो देश को बांटने का काम कर रहा है, जो देश की जो आवाम की बातें नहीं सुन रहा है, जो अपनी जनता के दुख सुख का ख्याल नहीं रख रहा है। इनका यह कहना है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमारे साथ यहाँ और भी ख्वातीन मौजूद हैं, आप बताएं आप इस काले कानून को कैसे देखते हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो 2 घंटे की मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला है, अगर शाइन बाग बनाना है तो शाइन बाग के लिए एकदम मतलब शाइन बाग बना के रहो, या गोंडी में भी शाइन बाग चाहिए, 2 घंटे की मीटिंग से कुछ नहीं होएगा। क्योंकि अभी हम ये खातून जो यहाँ मौजूद हैं इनके जज्बे को सलाम करने को जी चाहता है। इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि हमें इस जद्दोजहद को सिर्फ इस मैदान तक महदूद नहीं रखना है, बल्कि जिस तर्ज पर दिल्ली का शाहीन बाग चल रहा है यहाँ भी शाहीन बाग की ज़रूरत है, और यहाँ बड़ी तादाद में माँ बहन बेटियाँ उस शाहीन बाग में बैठने के लिए तैयार हैं, आमादा हैं। हमारे यहाँ कुछ गैर मुस्लिम बहनें भी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे ये जो काला कानून है आपने सर पे कैप लगाया हुआ है, नो NPR, नो NRC, नो CA, क्या मैडम क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे जैसा हमारा देश पहला सब लोग मिलजुल के रहते थे उसी तरह के से रहेंगे, कोई आके यहाँ कोई राजनीति या कोई MP कोई भी इधर हम लोगों को अलग नहीं कर सकते। आज का ये आप देख सकते हो, हम लोग हिंदू मुस्लिम हर कोई इधर साथ में बैठे, वॉलंटियर भी साथ में काम कर रहे, हम लोग तो यहाँ से किसी को भी अलग होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए जान जाए या जान लेनी पड़े, जो भी करनी पड़े हम लोग मिलके पहले जैसे थे, क्योंकि हम लोग आजाद देश में, अगर आप कोई आके हमको बांटने को देखेगा तो हम बांटने वाले नहीं है। ये धरना ये एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी समाज की माँ बहन बेटियाँ यहाँ मौजूद हैं, हमारी बहनें यहाँ मौजूद हैं, जो इस काले कानून के खिलाफ इंतहाई सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हुए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान कर रही है। गोंडी अम्बेडकर पार्क से अपने साथी शाहबुद्दीन सिद्दीकी के साथ अब्दुल हमीद साहिल, मुंबई।